फहमी में है राहुल गांधी जी और उनकी पूरी पार्टी के लोग कि भाजपा उनसे पूछ कर काम करेगी। कम से कम संवैधानिक पद पर जा रहे हैं तो उसके अनुसार अपना उनका व्यवहार और उनके आचरण और कम से कम कार्यशैली बने, ऐसी मेरी शुभकामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार, मैं हूँ आपके साथ संकोर। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जी। नितिन नवीन जी, आज लोकसभा का स्पीकर का चुनाव है और विपक्षी के तरफ से भी लोकसभा का उम्मीदवार उतारा गया, ये पहली बार है कि लोकसभा का चुनाव होने का स्पीकर का। देखिए, जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, जो लोगों ने खुद संविधान को भी तार तार किया, जिन लोगों ने पूरी तरह से लोकतंत्र की परंपराओं को और संसदीय परंपराओं का भी अपमान किया, आज तक लोकसभा में जो भी स्पीकर हुआ है, जिसने सत्ता पक्ष रहा है उसी का स्पीकर हुआ, इसमें कहाँ डिबेट थी। लेकिन उन्होंने शर्त रख कर कि नहीं, इनको बनाइए इनको नहीं बनाइए, ऐसा कभी होता है क्या? हम आपसे पूछ के अपना नेता तय करेंगे, हम आपसे पूछ के अपने लोगों को तय करेंगे कि इनको बनना है। गलतफहमी में है राहुल गांधी जी और उनकी पूरी पार्टी के लोग कि भाजपा उनसे पूछ कर काम करेगी, भाजपा जनता से पूछकर और जनता के अनुसार काम करेगी। आप लोग भ्रष्टाचारियों की जो टोली है, उन भ्रष्टाचारियों की टोली को निपटना भाजपा जानती है। आज नेता सदन के तौर पर राहुल गांधी जी तैयारी के साथ आज लोकसभा जा रहे हैं, भाई मेरी शुभकामना है। अब तक तो लगातार पहली बार संवैधानिक पद पर जा रहे हैं, लेकिन अब तक तो संवैधानिक चीज़ों को हमेशा तार तार किया, न लोकसभा के संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखा, न लोकतंत्र की नियम और नैतिकता को ध्यान में रखा। अब उम्मीद करते हैं, मेरी शुभकामना है, कम से कम संवैधानिक पद पर जा रहे हैं तो उसके अनुसार अपना उनका व्यवहार और उनके आचरण और कम से कम कार्यशैली बने, ऐसी मेरी शुभकामना है। जिस तरह से नवीन पटनायक की पार्टी वो समर्थन कर चुकी है इंडिया गठबंधन को, ठीक है भाई, अब जो अपोजिशन में जो लोग भी हैं उनको लगता है कि हमको ये समर्थन करना है, तो ये तो जरूर बताना पड़ेगा कि आखिर लोकतंत्र की परंपराओं को शर्त के आधार पर करेंगे क्या कि मेरा स्पीकर डिप्टी स्पीकर दीजिएगा तब मैं स्पीकर, ऐसा कभी हुआ है क्या 70 सालों की आज़ादी 75 सालों की आज़ादी के बाद? तो कहीं ना कहीं आप दिख रहा है कि लोकतंत्र को कहीं ना कहीं पहली बार संसदीय परंपराओं को आपने तार तार किया है, जो परंपराएं चली आ रही थी उसको आपने तोड़ने का काम किया। एक आखिरी सवाल लेंगे, PhD विभाग में आज तो 26 करोड़ का टेंडर रद्द कर दिया गया, महागठबंधन की सरकार का वो टेंडर था। देखिए, जो भी विभागीय मंत्री जी और माननीय प्रधान सचिव ने जो भी निर्णय लिया है उसको वहाँ के तकनीकी चीज़ों को देखा होगा, उसके आधार पर जहाँ कमियाँ पाई गई हैं उस पर निर्णय लिया है। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि जहाँ भी कमियाँ पाई जाएंगी, जो लोग भी ये नियम को ताक पर रख के काम करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन। तमाम सवालों को जवाब दिया, तमाम खबरों के साथ बने रहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।